सब्जेक्ट है, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को मैं गाइड कर दूं। सब्जेक्ट के अंदर हम लोग मेनली तीन पोर्शंस को डिस्कस करते हैं। एक सबसे पहला हमारा पोर्शन होता है जनरल मैथ्स का, दूसरा पोर्शन हमारा होगा एनालिटिकल का, और तीसरा पोर्शन हमारा होगा स्टैटिस्टिक्स का, स्टैटिस्टिक्स पोर्शन। अब जितने स्टूडेंट्स होते हैं, चाहे वो सीएसएस के हैं चाहे वो वन पेपर के हैं, आपके लिए ये दो पोर्शन मस्ट है। ये सीएसएस और वन पेपर के लिए दोनों पोर्शन मस्ट है। जबकि ये जो तीसरा पोर्शन है ये वाला, ये सिर्फ और सिर्फ होता है फॉर सीएसएस, ये वन पेपर में नहीं आता। तो अब हम लोग इंशाल्लाह जनरल मैथ्स को भी हम लोग बारी बारी हम लोग डिस्कस करते हैं कि जनरल मैथ्स के अंदर आप लोगों ने कौन कौन से पोर्शंस को ये कैरी करना है, एनालिटिकल के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, स्टैट के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। पहले हम लोग जनरल मैथ्स को थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं कि इसके अंदर हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करना है इंशाल्लाह। स्क्रीन शो नहीं हो रही, बोर्ड शो नहीं हो रहा सबको? मुझे बताएं, बोर्ड सबको शो हो रहा है ना? ये जो मैं राइटिंग में लिख रहा हूँ सबको शो हो रही है? ओके अच्छा जी, ऊपर जो जिन्होंने कमेंट किया ना कि सर स्क्रीन शो नहीं, आप काइंडली एक दफा लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लें, थैंक यू, शुक्रिया। और जी काइंडली जिन स्टूडेंट्स की वीडियोज ऑन है काइंडली वीडियोज ऑफ कर लें, जजाकल्लाह, थैंक यू बेटा, शुक्रिया। अच्छा जी, सबसे पहले हम लोग इसको मैथ्स के पोर्शन को हम लोग देखते हैं। मैथ्स के पोर्शन में हम लोगों ने जिन जिन टॉपिक्स को डिस्कस करना है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रेंज को, मीन को, मीडियन को और मॉड को। इनको हम लोगों ने इंशाल्लाह डिस्कस करना है, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग एवरेज को पढ़ेंगे, परसेंटेज को पढ़ेंगे। परसेंटेज के साथ हमारा एक और टॉपिक आएगा प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, उसको हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज। इसके बाद हमारा एक और टॉपिक आएगा रेशियो प्रॉब्लम्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्पेशली रिगार्डिंग सीएसएस। इसके साथ हमारा फिर एक और टॉपिक आ जाएगा प्रोपोर्शन, इसी तरह एज प्रॉब्लम, इसी तरह आपका बेसिक अलजेब्रा आएगा, यूनिट मेथड, यूनिट मेथड हो गया, और आप लोगों का ज्योमेट्री होगा, ज्योमेट्री के साथ वर्क शेयरिंग प्रॉब्लम्स, नंबर सीरीज प्रॉब्लम्स, नंबर सीरीज प्रॉब्लम्स जिसको हम लोग कोडिंग कोडिंग अच्छा जी, कोडिंग डी कोडिंग हो गया, नंबर सीरीज प्रॉब्लम हो गया। इसके साथ साथ हम लोग जी सैम मलिक, मैं बेटा बताता हूँ वन पेपर क्या होता है, मैं बता देता हूँ बेटा। अच्छा, नंबर सीरीज हो गया, कोडिंग डी कोडिंग हो गया, इसके साथ साथ हमारे और डिफरेंट टॉपिक जैसे हमारे हो गया क्लॉक एंगल प्रॉब्लम हो गया, क्लॉक एंगल प्रॉब्लम, इसी तरह प्रोबेबिलिटी हो गया, ठीक है। ये कुछ टॉपिक अभी भी मैंने कुछ एक मैं बाकी आप लोगों को मैं बुक से देख के बता दूं, ये भी मैंने कुछ मैं टॉपिक लिखे हैं इनमें। और टॉपिक एग्जैक्टली एक और टॉपिक आप लोगों को होता है टाइम डिस्टेंस ट्रेन प्रॉब्लम,
टाइम डिस्टेंस, जिसमें टाइम की बात करता है, डिस्टेंस की बात करता है, वेलोसिटी की बात करता है, ट्रेन प्रॉब्लम उनके अंदर ट्रेन का देखा। आप लोगों के एक और चैप्टर है ये सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। और इसके साथ साथ प्रॉब्लम स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन, ये जो आप लोगों को चैप्टर्स मैंने लिख के दिए, ये सारे के सारे आप लोगों के मैथ से रिलेट करते हैं। इस पूरे मतलब सेशन के अंदर आप लोगों ने मैथ्स में जो कुछ पढ़ने हैं वो आप लोग ये वाले टॉपिक पढ़ेंगे। अब सैम मलिक बेटा आपका क्वेश्चन आगे तो वन पेपर क्या होता है बेटा, सीएसएस में भी आप लोगों का मैथ्स का सेक्शन होता है बेटा, वन पेपर में वन पेपर जैसे एफपीएससी के 100 मार्क्स के एमसीक्यू टाइप आपका जो पेपर होता है, पीपीएससी के जो पेपर होते हैं, एनटीएस के जो पेपर होते हैं, यानी कि ये जो 100 मार्क्स के एमसीक्यू टाइप जो पेपर होते हैं ना, जिनके थ्रू कोई गवर्नमेंट जॉब होती है या प्राइवेट जो जैसे एमफिल की डिग्री के लिए गैट जनरल टेस्ट होता है, तो इस तरह के जो टेस्ट होते हैं उनको हम लोग वन पेपर कहते हैं, यानी कि जो एमसीक्यू टाइप होते हैं दैट आर कॉल्ड वन पेपर। ठीक है सैम, ओके। तो जो सीएसएस है, सीएसएस के अंदर भी ये मैथ्स का पोर्शन आता है जनरल साइंस एंड एबिलिटी में, और इसी तरह वन पेपर के अंदर भी मैथ्स का सेक्शन आता है। तो ये जितने भी आप लोगों को मैंने पोर्शन जो बताया ना मैथ के अंदर, ये सारे कंपोनेंट्स सारे के सारे आप लोगों ने इसमें इंशाल्लाह स्टडी करने हैं। ठीक है, अच्छा मैथ्स के साथ जो दूसरा पोर्शन यहाँ पे मैं लिखा था ना, ये वाले ये इस स्लाइड पे मैं लिखा था एनालिटिकल रीजनिंग, हम लोग एनालिटिकल रीजनिंग को देखते हैं। एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर हम लोगों ने किन किन एरिया को कवर करना। वैसे तो एनालिटिकल रीजनिंग आप लोग कहीं पे नेट पे देखेंगे या कहीं बुक्स वगैरह में आप देखेंगे, एनालिटिकल रीजनिंग को बस एक ही बताया जाता है कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उनके रेलेवेंट आप लोगों ने अगर प्रॉब्लम होते हैं आपने सॉल्व करने होते हैं। नहीं, एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर हम लोग तकरीबन 5 से 6 डिफरेंट मैथड्स को हम लोग स्टडी करेंगे, स्टडी उसको थॉरली इंशाल्लाह हम लोग उन चीज़ों को सीखेंगे। जैसे एक हमारा मैथड होगा मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, लीनियर ऑर्डरिंग हम लोग सीखेंगे, लीनियर ऑर्डरिंग, इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटेड ऑर्डर, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑर्डरिंग, इसी तरह सीटिंग अरेंजमेंट होगा, सीटिंग अरेंजमेंट, और इसी तरह आपका सिलेक्शन मेथड, इसी तरह आपका एक और टॉपिक होगा नेटवर्किंग और लेस देन ग्रेटर देन। अब इसमें अगर पास्ट पेपर्स को अगर देखा जाए ना, ये खासतौर पर एनालिटिकल में सीएसएस के हवाले से मैं बात करूंगा, सीएसएस के पेपर्स में भी एनालिटिकल रीजनिंग आता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें उसका नो ना होने की वजह से हमारे वो क्वेश्चन रह जाते हैं, हम उसको सही आइडेंटिफाई हम उसको नहीं कर पाते कि इसमें किस किस्म के वो हमसे क्वेश्चन किए जा रहे हैं। अच्छा बेटा, अगर किसी को कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो तो ये नंबर आपके ये कमेंट्स में आपको शो हो रहे हैं बेटा, इनसे आप लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं सेशन के बारे में। सेशन हमारा ये इंशाल्लाह मंडे से हमारा स्टार्ट हो रहा है, ये 4th इसकी लास्ट डेट है, और जो भी बाकी डिटेल्स हैं आप लोग इन कॉन्टेक्ट पे ये आप लोग इनसे आप लोग डिटेल वगैरह आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये जितने भी मैंने अभी एनालिटिकल रीजनिंग के जो टॉपिक्स मैंने लिखे हैं ना, इनके डिफरेंट जो मेथड्स मैंने लिखे हैं, इनमें अगर सीएसएस के हवाले से अगर देखा जाए तो मैट्रिक्स भी सीएसएस में आया हुआ है, लीनियर ऑर्डरिंग भी सीएसएस में आया हुआ है, इसी तरह आप लोगों का नेटवर्किंग भी सीएसएस में आया हुआ है, और लेस देन ग्रेटर देन भी सीएसएस में 2016 और 2020 में आया हुआ है, ये 2018 में आया हुआ है, ये 2019 में आया है, ये 2000 आप लोगों का 16 में आया हुआ। ठीक है, तो सीएसएस के पेपर्स में भी ये एनालिटिकल रीजनिंग जरूर आता है। इसके साथ साथ अगर हम लोग वन पेपर की बात करें तो वन पेपर एफपीएससी पीपीएससी में ये एनालिटिकल नहीं आता, लेकिन अगर इसके साथ साथ आप और बाकी पेपर्स में बैठेंगे जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पेपर होता है उसमें भी एनालिटिकल आ जाता है, एनटीएस के कुछ पेपर्स के अंदर एनालिटिकल आ जाता है। तो एनालिटिकल रीजनिंग जैसे ये देखे ना, स्टार्ट पे मैंने आप लोगों को बताया था ये
एनालिटिकल रीजनिंग और मैथ्स का जो पोर्शन है ये सीएसएस और वन पेपर दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, जबकि जो लास्ट पोर्शन हमारा है ना स्टैट का पोर्शन वो सिर्फ और सिर्फ ओवरऑल सीएसएस वालों के लिए, सीएसएस एबिलिटी जो कर रहे हैं उनके लिए। स्टैट में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ना है उसको अभी हम लोग थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं, स्टैट में हमारा क्या क्या पोर्शन आएगा। स्टैटिस्टिक्स के अंदर अगर आप लोगों ने इसके पास्ट पेपर अगर कभी देखे हो ना तो पास्ट पेपर में आपको पता होगा 2016, 2017, 18, 19, 21, 20 में स्टैट में से क्वेश्चन नहीं आया था, बस एक डेफिनेशन आ गई थी। तो अगर 16 से ऑनवर्ड अगर 21 तक अगर देखे हर साल एक आध क्वेश्चन आप लोगों का स्टैट के क्वेश्चन में से जरूर आ रहा है। वो अलहदा बात है, जैसे पहले भी आप लोगों का एनालिटिकल का मैंने बताया, अनफॉर्चुनेटली हमें उसका पता नहीं चलता ठीक है कि उसमें हमारा स्टैट का पोर्शन आया हुआ है कि नहीं आया हुआ ठीक है। ये जो एमर आपने जो क्वेश्चन जो किया, आप लोग कोशिश करें स्टैट और जो मैथ है इसको ऑप्शनल सब्जेक्ट अपना रखें ज्यादा बेटर है, क्योंकि ऑप्शनल में ये इतना स्कोरिंग नहीं होता और ये इसका मतलब काफी आप लोगों के टफ पेपर भी आ जाते हैं। कोशिश करें ऑप्शनल में ना रखें। फिर भी अगर आप कहते हैं कि सर मेरे बहुत अच्छी ग्रिप है स्टैट के पोर्शन पे, तो फिर आप रख सकते हैं। वैसे मतलब इनको अगर ना ही रखा जाए बेहतर है, क्योंकि ये स्कोर इतना ज्यादा आपको देते नहीं है ठीक है। अच्छा, स्टैट के पोर्शन के अंदर हम लोग बेसिकली हम लोग बेसिक लेवल का हम लोग इसमें स्टार्ट करें, हम लोग इतना वो डीपी हम लोग नहीं जाएंगे, डिस्पर्शन की तरफ हाइपोथेसिस की तरफ हम लोग नहीं जाएंगे। स्टैट के पोर्शन हम लोग ये बेसिक लेवल के जो स्टैट है उसको हम लोग देखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर अगर आप 2016-17 का अगर पेपर देखेंगे ना, वहां पे आपको हिस्टोग्राम मिलेगा। हिस्टोग्राम उसने पूछा, वो हिस्टोग्राम बना के दो, पिक्टोग्राम बना के दो। इसी तरह उसने आप लोगों से 2016 के पेपर में पूछा हुआ है, एक उसने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी उसने दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसी तरह अगर आप लोग 2018 के अगर पास्ट पेपर उठाएंगे, वहां पे आप लोगों को एक सर्कुलर फॉर्म में आपको एक पाई चार्ट नजर आएगा, पाई चार्ट। मैंने ये पकड़ भी पहले मैथ और स्टैट दोनों के बारे में आपको मैंने बताया था। मैथ भी आप लोग ऑप्शनल में कोशिश करें वो ना रखें, स्टैट भी आप लोग कोशिश करें ना रखें, क्योंकि ये इतने अच्छे स्कोरिंग नहीं होते ठीक है। इनके अलावा बाकी सब्जेक्ट अगर आप ऑप्शनल में कर लें ज्यादा बेटर है। पाई चार्ट, बार चार्ट, क्योंकि अप्लाइड में प्योर में वो आपको ऐसी ऐसी आपको चीजें आपको दे देते हैं जो कि आप लोगों ने कोर्स वर्क में नहीं पढ़ी होती, यानी कि काफी हाई लेवल की आपको चीजें दे देते हैं, जो कि आप कह लें कि आप पीएचडी लेवल में जाके आप पढ़ते हैं, तो इसलिए वो इतने ज्यादा स्कोरिंग नहीं होता। कोशिश करें आप लोग बाकी सब्जेक्ट अडॉप्ट कर लें जो कि स्कोरिंग है, और ट्रेंड आप देख लें कौन से मतलब स्कोरिंग सब्जेक्ट चल रहे हैं उसमें, वो करने ज्यादा बेटर है। पाई चार्ट, बार चार्ट, नो प्रॉब्लम, पाई चार्ट, बार चार्ट, और इसी तरह मल्टीपल बार चार्ट होता है, ये सारा कुछ इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे। परसेंटेज बार चार्ट क्या होता है, इसी तरह बाकी आप लोगों के ये पाई चार्ट हो गए, ये सारा इंशाल्लाह हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसके साथ साथ अगर आप लोग 2019 का अगर पेपर उठाओगे, वहां पे आप लोगों को वेन डायग्राम मिलेगी। वेन डायग्राम ठीक है, सेट्स भी इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो पोर्शन होगा इसके अंदर हम लोग ये डिफरेंट ही नहीं हम लोग एरिया को हम लोग कवरेंगे। 2021 का पेपर देखोगे, वहां पे दफा उसने ग्राफ वाला क्वेश्चन उसने दिया होता है, एक्स और वाई के उसने एक टेबल दिया होता, उसको पहले आप लोगों ने कम्प्लीट करना था, उसके बाद आप लोगों ने उसी टेबल के साथ उसकी हेल्प से आप लोगों ने ग्राफ आपने बनाना था। तो ये बेटा आज की क्लास के अंदर आप लोगों को ये चीजें मैंने बतानी थी कि हम लोग इस कोर्स में हम लोग किन किन एरिया को हम लोग कवर करेंगे। इंशाल्लाह मंडे से ये क्लासेस आप लोगों की स्टार्ट होंगी। आपको इस कोर्स के रेलिवेंट अगर आपको कोई क्वेश्चन है, जैसे अभी भी आप लोग साथ साथ कमेंट्स के अंदर आप लोग पूछ रहे हैं, तो कोर्स के रेलिवेंट आप लोगों का कोई क्वेश्चन है आप लोग मुझसे फ्रीली आप लोग पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको मैं गाइड में कर देता हूँ। आपको कोई क्वेश्चन है किसी का कोई, अभी हम लोग एक टॉपिक हम लोग डिस्कस भी कर लेते हैं, आप लोग मेथोडोलॉजी आप लोग देख सकते हैं कि
ये और क्लासेस कितने आवर्स की होंगी, ये जो ऊपर आपने जो क्वेश्चन भी पूछा ना क्लासेस के रेलेवेंट, बेटा आप लोगों को मैं क्वेश्चन में आपको आंसर में दे देता हूँ। हाउ मच डिटेल वी नीड टू कवर टॉपिक्स ऑफ साइंस पोर्शन, साइंस पोर्शन का आप लोगों को इंशाल्लाह बता देंगे ये शफीक भी आपको बता देंगे। शफीक साहब मैं आप लोगों को बेटा एबिलिटी के बारे में भी आपको बता लूंगा। हमारी क्लासेस जो होती है वो हमारी 1.5 घंटे की क्लास होती है। मुझे जो इन्फॉर्म चाहिए वो 2 बजे इंशाल्लाह हमारी क्लास हुआ करेगी, 2 से 3:30 बजे तक इंशाल्लाह, ठीक है। और ये तकरीबन हमारा कोई 15 लेक्चर का हमारा ये प्लान होता है, 12 से 15 लेक्चर इंशाल्लाह हम लोग ये सारा हम लोग कवर करते हैं। ये ऑनलाइन और रेगुलर दोनों की टाइमिंग सेम होती है। ड्यूरेशन ये तकरीबन हमारा 15 हमारे लेक्चर्स का ड्यूरेशन होगा, और ये 2 से 3:30 बजे तक एग्जैक्टली ऑनलाइन और रेगुलर दोनों का सेम टाइम होगा, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह कोई, बाकी इसकी फी क्या है, इसकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, वो आप लोगों को बीच में कॉन्टेक्ट आपको शेयर हो जाएंगे, वो इंशाल्लाह आप उनसे डिस्कस आप उनसे कर सकते हैं, ठीक है। मैं 1 मिनट उन्हें कह भी देता हूँ, कॉन्टेक्ट अपना शेयर कर देते हैं। जुनेद, जुनेद यार कॉन्टेक्ट अपना शेयर कीजिएगा जी। शुक्रिया। तो कांटेक्ट आपको जो शेयर होगा उस पर बेटा आप लोगों ने इनको आपने स्टडी रिवर्स आप लोगों ने रब्ता करके रजिस्ट्रेशन वगैरह जिन्होंने करवानी है इंटरेस्टेड हो वो बेटा करवा सकते हैं, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह कोई, ठीक है। ये कांटेक्ट आपको शेयर हो गया। हाँ ये दोबारा पूछने, मैथ ऑप्शनल बेटा, मैथ मैं दोबारा बेटा मैं बता रहा हूँ, मैथ अगर तो आप कहते हैं सर मेरी बहुत अच्छी ग्रिप है बेटा आप लोग अडॉप्ट कर ले, नहीं तो बेटा ये इतना अच्छा स्कोरिंग नहीं है मैथ एज एन ऑप्शनल, ठीक है जी। और किसी का कोई क्वेश्चन, ये डिटेल्स आपको दी गई है, कॉन्टेक्ट नंबर बेटा आप इनसे कॉन्टेक्ट करके आप इनसे डिटेल वगैरह ले सकते हैं कोर्स के सारे, ठीक है। ओके जी बेटा, और किसी का कोई क्वेश्चन कोई कोर्स के रेलेवेंट जी। बहुत शुक्रिया शहरयार भी, थैंक यू बेटा। हाँ रिकमेंडेड बुक इंशाल्लाह अभी तो आप लोग, मैं स्टडी मटेरियल अपना मैं दूंगा, ठीक है। हाँ जी बहुत शुक्रिया मलिक शहरयार, जजाकअल्लाह खैर, थैंक यू। एक तो मैं आप लोगों को एक तो अपना स्टडी मटेरियल आपको मैं दूंगा, दूसरी मेरी बुक बस अभी प्रिंटिंग के लिए जा चुकी है इंशाल्लाह, वो तकरीबन 10-15 दिन में इंशाल्लाह ना ये प्रिंट होके आ जाएगी बुक इंशाल्लाह, फिर आपको मैं रिकमेंड अपनी कर दूंगा इंशाल्लाह, होपफुली लाजमी बात है। लेकिन अभी तो आप लोगों को मैं स्टडी मटेरियल आपको इंशाल्लाह मैं दूंगा ना, ठीक है जी। और किसी का क्वेश्चन जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू असमान बेटा। जी एग्जैक्टली जो स्टडी मटेरियल पहले भी जो मैंने जो शेयर किया एग्जैक्टली वही स्टडी मटेरियल मेरी बुक अभी पब्लिश हो जाएगी इंशाल्लाह, बस वो कुछ अर्से तक आ जाएगी। उसके अंदर थोड़ी सी डिटेल भी शेयर की गई हैं, उसके अंदर कुछ एग्जाम्पल्स भी ऐड की गई हैं इस तरह उस बुक में। उनमें लाइव बेटा मैंने अटेम्प्ट नहीं दिया हुआ, मैंने अटेम्प्ट इसका सीएसएस करने दिया हुआ, ठीक है। अगर दिया होता तो मैं डॉक्टर में जरूर मैं करता ये सीएसएस के जी एग्जैक्टली ये सीएसएस और वर्ड पेपर दोनों की एबिलिटी के, ठीक है लीना बेटा। ओके जी, और किसी का कोई क्वेश्चन कोई, टाइमिंग ओके ड्यूरेशन वगैरह, टाइमिंग अलीना बेटा टाइमिंग इसका 2 PM होगा, 2 to 3:30 होगा, मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लासेस होती हैं, और ये ड्यूरेशन इसका होगा अबाउट 15 लेक्चर्स, 12 to 15 लेक्चर इंशाल्लाह जी। बेटा अरसलान मैं बेटा सिर्फ एबिलिटी बताता हूँ, मैं मैथ्स का बंदा हूँ, मैं सिर्फ मैथ्स पढ़ाता हूँ, बस अपने सब्जेक्ट से मुझे लगाव है, ठीक है। मैं सिर्फ बबुल में पढ़ाता हूँ, मैं और कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता। 50 डेज नहीं, 15 डेज, 15 ना, 15, 15। ये 2022 के लिए भी है, 23 के लिए भी आप प्रिपरेशन आप कर सकते हैं।
अलीना बेटा, ये आप बात आप कर सकते हैं बिटेन के, वो आपको ज्यादा आपको गाइड आपको कर देंगे। ठीक है, हाँ इसका 2 PM इसका राइट इसका टाइम होगा 2 PM इंशाल्लाह, क्योंकि मेरी बाकी जगह मेरी क्लासेस होती हैं तो 2 PM इसका राइट ऑन इंशाल्लाह होगा टाइम। अच्छा, अभी आप लोगों को मैं एक का टॉपिक मैं थोड़ा सा आपको बस मैं डिस्कस कर लेता हूँ। कोई भी एक टॉपिक मसलन फॉर एग्जांपल हमारा एक टॉपिक होता है ये टाइम डिस्टेंस वाला, मैं एक टॉपिक आप लोगों से मैं डिस्कस मैं करता हूँ। उसके अंदर एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है डायरेक्शन प्रॉब्लम्स वाला, जो कि इस दफा 2021 के पेपर में भी आया हुआ था, CSS 21 के पेपर में जो आया था एक क्वेश्चन, वही आप लोगों से मैं डिस्कस में कर लेता हूँ। डायरेक्शन प्रॉब्लम वाला कि एक पर्सन है, पहले वो इतने किलोमीटर नॉर्थ में जाए, फिर वहां से इतने किलोमीटर साउथ में चला गया, फिर वहां से ईस्ट में, फिर वहां से वेस्ट में, तो ये बताएं आप वो किस डायरेक्शन में खड़ा हुआ है, जो आप वो कितने फासले पे खड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन काफी दफा रिपीट हो चुका है, 2017 में भी आया, 2018 में भी आया, 2021 के पेपर में भी आया हुआ है। तो अभी आप लोगों से ये क्वेश्चन मैं डिस्कस में कर लेता हूँ। 21 के पेपर में क्वेश्चन आया था, उसमें कहते हैं अ चाइल्ड वेंट 90 मीटर टुवर्ड द ईस्ट, देन टर्न राइट एंड वेंट 20 मीटर, देन ही टर्न राइट एंड आफ्टर गोइंग 30 मीटर ही रीच हिज अंकल हाउस, फ्रॉम देयर ही वेंट 100 मीटर टू हिज नॉर्थ, डिटरमिन हाउ फार ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। यानी कि वो 90 मीटर पहले ईस्ट में गया, फिर वहां से 20 मीटर अपने राइट गया, फिर वहां से दोबारा अपने वो राइट हुआ, वहां से वो 30 मीटर गया, फिर वहां से वो 100 मीटर अपने नॉर्थ में गया, बताएं वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितने फासले पे है। तो जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, आप लोगों ने हमेशा इसके अंदर डायरेक्शन आप लोगों ने ड्रॉ करनी है। यानी कि एक फॉर्मल ये, अगर मैं डायरेक्शन अगर ड्रॉ कर लूँ और एक मैं ये डायरेक्शन मैथ में ड्रॉ कर लेता हूँ, ये वाला, ठीक है, इनको अभी हम लोग लिख लेते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, हाँ नहीं आदिल हमीद बेटा, इतना आसान होता तो फिर क्या ही बात थी। ये 268 का राइट आंसर नहीं, उसने ये नहीं पूछा कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, उसने ये कहा है कि अब वो कितने डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है स्टार्टिंग पॉइंट से। तो आप इसको देखिए कि हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कहते हैं कि 90 मीटर अपने वो ईस्ट में गया है, यहाँ से आप 90 मीटर आप काउंट ऑफ करेंगे, आप 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि जहां तक वो 90 मीटर यहाँ पे पहले वो आ गया। फिर वो कहता है यहाँ से वो राइट टर्न उसने, अब इसका राइट टर्न इसका नीचे की तरफ होगा, साउथ की तरफ होगा, 20 मीटर और राइट टर्न उसने लिया, यहाँ से 20 मीटर यहाँ से हम काउंट करेंगे 10 और 20, ये बिल्कुल इसके सामने हम लेके हैं पॉइंट, तुझे यहाँ पे पॉइंट ड्रा होगा। यानी कि अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर 20 है, तो फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी 20 होगी। ठीक है, फिर वो कहता है यहाँ से फिर दोबारा वो राइट मुड़ा और यहाँ से उसने 30 मीटर उसने कवर किया, यहाँ से अब इसका राइट इधर होगा यानी वेस्ट की तरफ, यहाँ से 30 मीटर 10 20 और 30, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर 30 है, तो फिर इसके सामने मैं एक पॉइंट लगा लेता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी 30 मीटर ही होगा। ये अब वो एट दिस टाइम वो इस पॉइंट पे है, वो अब वो कहता है कि यहाँ से वो 100 मीटर अपने नॉर्थ में गया, यहाँ से अगर 100 मीटर में नॉर्थ में कैसे मैं लेके जा सकता हूँ, यहाँ से यहाँ तक इसका फासला कितना है, यहाँ से यहाँ तक ये 10 और 20, यहाँ तक तो 20 हो गया, इससे ऊपर 80 मीटर मोर लेके जाएंगे, ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक 100 हो जाएगा, 10 20 30 40 50 60 70 और 80, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बिल्कुल देखो ना इसके सामने, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल इसका 100 मीटर बनेगा। तो हम इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, या ये यहाँ तक मैं एक लाइन में ड्रॉ करता हूँ, ये यहाँ तक, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल ओवरऑल डिस्टेंस है दैट इज 100 मीटर। अब उसका क्वेश्चन ये है तो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितने फासले पर था, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट था और यहाँ पे बात वो रुक गया। इसका मतलब मैंने जो फाइंड आउट जो करना है ना डिस्टेंस, वो मैंने ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, दिस वन, ये डिस्टेंस इसका कितना होगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हम लोगों ने कैसे फाइंड आउट करना है, ये हम लोग डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे पैथागोरस थ्योरम से।
आप लोगों ने ये 7th 8th क्लास में आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था। अगर आप में से कोई उर्दू मीडियम है तो आप लोगों ने पढ़ा होगा मसला पाइथागोरस, क्योंकि मैं उर्दू मीडियम हूँ, हम लोगों ने 9th 10th उर्दू मीडियम की थी। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है दैट इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब ये हाइपोटेन्यूस आपने फाइंड करना है, दैट इज हाइपोटेन्यूस, ये एक ट्रायंगल की बन गई है। ये ट्रायंगल जो है इसमें ये हो गई बेस, ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अब हाइपोटेन्यूस आपने फाइंड आउट करना है। बेस है ये कितना, 1 2 3 4 5 6, यहां तक ये 6 यानी कि 16, प्लस परपेंडिकुलर ये कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 80। अब आप इसको सॉल्व कर ले, आपको पता चलेगा कितने डिस्टेंस पे है, 3600 प्लस 6400, ये आप लोगों का एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 10,000। इसका अंडर रूट लें, इसका अंडर रूट लें, इसका अंडर रूट, जब आप 10,000 पे जब आप अंडर रूट लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 100 मीटर। यानी कि वो यहाँ से यहाँ तक कितने फासले पे है, 100 मीटर के फासले पे है। ये बेटा इस दफा आपका 2021 के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो इसी तरह इंशाल्लाह हम लोग बाकी टॉपिक्स को भी इंशाल्लाह इस सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। आप में से बेटा जो इंटरेस्टेड हुआ वो आप लोग रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा लीजिएगा, मंडे से इंशाल्लाह हमारी क्लासेस स्टार्ट होगी। ठीक है, और बेटा कोई क्वेश्चन कोई इसको, नहीं तो फिर हम लोग अभी यहाँ से हम लोग फिर स्पेंड करते हैं, वाइंड अप करते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन कोई, जी, एग्जैक्टली आंसर जी बेटा आप लोगों को ड्रॉ करना पड़ेगा, ड्रॉ करेंगे तो तब आप कह सकते हैं कि 5 में से आपको 4 साढ़े 4 पॉइंट नंबर आपको दे दो। ठीक है, हाँ बेटा, ये ओनली मैथ्स का सेशन होगा, बस सिर्फ मैथ्स का। टिप वगैरह 1 पेपर में बच्चों मैथ जरूर करो, बाकी जीके इंग्लिश आप लोगों का, जीके आपका रटा है, ठीक है, रटा है जीके, बाकी इंग्लिश भी अगर ठीक है वो भी रटा ही है, उसके अंदर भी कुछ बेसिक चीजें हैं, लेकिन बच्चों मैथ जरूर करो, मैथ में हमेशा रगड़ा लगता है बच्चों का। ठीक बेटा, आप लोगों को बता देंगे अरसान भाई, आप उनसे कांटेक्ट करें, आपको नंबर जो शो किया गया था ना आप उनसे बेटा कांटेक्ट कर लें, आपको फिर इंशाल्लाह आपको बता देंगे। जुनेद, जुनेद यार नंबर एक दफा दोबारा जरा, नंबर एक दफा दोबारा जरा सेंड कर दें, शुक्रिया। आज ये नंबर अभी आपको मिल गया बेटा, आप इनसे कॉन्टेक्ट कर लें, आपको इंशाल्लाह डिटेल आपको पूरी दे देंगे। ठीक है, बाकी मेरी तरफ से ओके है, मेरी तरफ से अभी ये फाइनल है बेटा। मेरे से अगर आप लोगों ने कुछ और को क्वेश्चन करना है तो आप लोग कर सकते हैं। नाम मेरा साबिर हुसैन है, सॉरी मैंने आपको नाम आपको नहीं बताया था, साबिर हुसैन मेरा नाम है, और मैं ये स्टडी रिवर वालों के पास मैं तकरीबन साल 1.5 साल में पढ़ा रहा हूँ, एबिलिटी के सेक्शन में पढ़ा रहा हूँ। मेरा अपना तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस है, 8-10 साल का एक्सपीरियंस है, मैं 2012-13 से पढ़ा रहा हूँ, 2012 से ऑनवर्ड 2016 तक आपको पता है ये एनटीएस के टेस्ट होता है गैट जनरल, वो करवाते रहे, इसके साथ एफपीएससी पीपीएससी सीएसएस की एबिलिटी जो है ये तो 2016 में आई है, 2016 से ऑनवर्ड अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 5-6 साल हो गए जो पढ़ाते हुए। ठीक है, वन पेपर के लिए बेटा बुक्स आपके पास बहुत ज्यादा है बेटा, मार्केट में आप जाओ बेटा आपको काफी बुक्स आपको मिल जाएंगे वन पेपर के लिए, वही आपको मैं बेटा कह रहा हूँ, जीके आपका याद करने वाली चीज है, खुद रटे वाली चीज है बेटा, आपको बेटा बुक आपको कोई भी आपको मिल सकती है, कोई मैं इस तरह मतलब रिकमेंड नहीं कर सकता। ठीक है जी बेटा, मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़ बेटा, आप सब लोग अपना ख्याल रखें, थैंक यू सो मच। यूट्यूब चैनल बेटा, मेरे यूट्यूब चैनल बेटा सिंपली आप लोगों ने सर साबिर बस लिखना है बेटा, यूट्यूब चैनल पे सर साबिर लिख के बेटा सामने आ जाएगा, मेरे चैनल सामने आ जाएगा, ओनली सर साबिर बस आपने मेंशन करना। ठीक है जी, गूगल या यूट्यूब पे। और कोई क्वेश्चन बेटा, जी बेटा।
तो फिर अभी हम ऑफ करें, ठीक है। बाकी ये आप लोग कमेंट्स के अंदर बेटा आप लोग डिटेल्स ले सकते हैं, इनसे कॉन्टेक्ट नंबर आपको बेटा शेयर किया गया, आप लोग बेटा अपना डिटेल ले लें, ठीक है। थैंक यू बेटा। ये सब बेटा सेपरेट प्रिपरेशन बेटा आप ये आप ना ये मेरे यूट्यूब चैनल से बेटा कॉन्टेक्ट आप ले सकते हैं, मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरा कॉन्टेक्ट है। थैंक यू बेटा, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। हारे तो बाकी बेटा फीस आपको बता देते हैं, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर लें। जुनेद भाई जी सर, मुझे बताइएगा फीस कितनी है? 6,000 ऑनलाइन की। अच्छा, 6,500 6,500 ऑन सिर्फ अबिलिटी की। अच्छा ओके, 6,000 ये बेटा मैं लिख देता हूँ, थैंक यू। फी जो है ना, फी ऑनलाइन वालों की 6,000 है सिर्फ अबिलिटी की है, और जो ऑन ग्राउंड जो स्टूडेंट्स है ना ऑन ग्राउंड उनकी बेटा है 6,500, ठीक है। ये बेटा आप कॉन्टेक्ट कर लीजिए, मैं आपको इंशाल्लाह बता दूंगा, ठीक है। हमारा बेटा कॉन्टेक्ट कर लीजिए, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।